जब भी आपके डॉग को खतरा या डर महसूस होता है तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि वो अपने शरीर को खतरे से बाहर निकलने के लिए तैयार करने लगता है। और इसलिए खतरे के समय डॉग्स अक्सर इन तीन तरीकों से पेश आते हैं। फ्लाइट यानी कि दुम दबा के दौड़ जाना, फ्रीज यानी कि एक जगह पर खड़े रहना, और फाइट तो आपको मालूम ही है। फ्लाइट से शुरू करते हैं। फ्लाइट यानी कि दुम दबा के दौड़ जाना, अक्सर डॉग्स को ये सेफेस्ट ऑप्शन लगता है। ऐसी सिचुएशन में डॉग्स दूर भाग जाते हैं और उस शख्स से डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं जिनसे उन्हें डर लग रहा है। इसका मतलब ये भी है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन अगर आपका डॉग दूसरे डॉग्स के साथ है और वो उनकी तरफ देखने के बजाय कहीं और देख रहा है या उनसे भागने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कमी उसके कॉन्फिडेंस में नहीं है, वो बस उनके साथ खेलना नहीं चाहता। तो इन दो सिचुएशंस में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब आते हैं फ्रीज पर। खतरे का अंदेशा होने पर आपका डॉग एक जगह टिक भी सकता है, जिसे फ्रीज कहा जाता है। अब ये फ्रीज भी तीन तरीके के होते हैं। सबमिसिव फ्रीज यानी कि जिससे उन्हें खतरा फील हो रहा है उनके सामने झुक जाना। एसर्टिव फ्रीज यानी कि दृढ़ता से खड़े रहना। और अग्रेसिव फ्रीज यानी कि आक्रामक तरीके से पेश आना। सबमिसिव फ्रीज के दौरान आपके डॉग को जिससे भी खतरा महसूस हो रहा है वह उनके सामने झुक जाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। इस तरीके से वो अपने सामने वाले खतरे को बड़ा दिखाते हैं और उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। एसर्टिव फ्रीज में आपका डॉग दृढ़ता से पेश आता है, लेकिन अगर आपके डॉग में कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो अपने खतरे के सामने भौंकेंगे तो ज़रूर, लेकिन एक दबी हुई आवाज़ में, ताकि वो अपने खतरे को ये बोले कि दोस्त थोड़ा तुम पीछे हो जाओ और थोड़ा मैं हो लेता हूँ। लेकिन अगर आपके डॉग में कॉन्फिडेंस भरपूर है तो वो पीछे ना हटकर दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि वो पूंछ हिलाएंगे, लेकिन उसी के साथ वो एक वार्निंग भी देंगे कि दोस्त इससे आगे मत आना। इस वार्निंग के बावजूद भी अगर सामने वाला खतरा दोस्ती ना एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहा हो तो आपका डॉग एक लास्ट वार्निंग देता है, जिसमें कि उसकी पूंछ एकदम स्ट्रेट खड़ी होती है और इसका मतलब ये है कि दोस्त तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। और फिर आता है अग्रेसिव फ्रीज, जिसमें वो डरावनी दिखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि दांत दिखाना, गुर्राना, लगातार भौंकना। और अगर आपके डॉग ने कोई लीश पहनी है तो वो लीश खींच के कूदने की भी कोशिश करेंगे। अगर ये सारे साइंस भी नज़रअंदाज हो जाते हैं तो फिर आपका डॉग अटैक कर देता है। अब अगर ऐसी सिचुएशंस को आप अच्छे से हैंडल कर लेते हैं और अपने डॉग को कंफर्टेबल फील करवा देते हैं तो ये आपके और आपके डॉग की कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही ये आपके डॉग में भरपूर कॉन्फिडेंस लाता है। और अगर अगली बार कोई खतरा आया तो आपका डॉग सबसे पहले आपकी तरफ देखेगा।